हाय गाइस एंड वेलकम टू मिस्टिक लव टैरो। मैं ऐश्वर्या हूँ एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक और पिक अ कार्ड लेके आई हूँ और ये टॉपिक है आपके करियर एंड फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके करियर और फाइनेंशियल सेक्टर कैसी होगी अगले कुछ दिनों में, ओवरऑल एनर्जी क्या है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले थैंक यू उन सभी लोगों को जिन्होंने मेरे वीडियोस को पसंद किया और लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब किया। सो थैंक यू एवरीवन। और गाइस ये जनरल रीडिंग्स हैं तो सारे मैसेजेस आपके लिए हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर आपको लगे कोई मैसेज आपके लिए है तो उसे कंसिडर कीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेल ज़रूर करें, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं तीन पाइल्स हैं और उनमें तीन पिरामिड्स हैं। तो पाइल नंबर वन रेड जैस्पर, पाइल नंबर टू येलो एवेंचरीन, पाइल नंबर थ्री ग्रीन एवेंचरीन। तो आप एक गहरी सांस लें और फिर रिलैक्स होके अपने इंट्यूशन को यूज़ करें और अपना पाइल सेलेक्ट करें। अगर एक पाइल मैच नहीं होती है तो आप कोई दूसरी पाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आपकी रीडिंग्स शुरू करते हैं। पाइल नंबर वन, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने रेड जैस्पर चूज़ किया है ये आपकी रीडिंग है। तो रेड जैस्पर स्टोन वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ ट्रस्ट की बात करती है, बैलेंस और कवरेज देती है आपको। तो देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। जजमेंट, मुझे लगता है कि आप ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको पब्लिक आई में रहना पड़ता है। जैसे हो सकता है कि आप फेमस हो या फिर आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हो जिसमें आपको फेम मिले। ये कार्ड रीबर्थ की है जिसका मतलब मेरे लिए ये है कि कुछ नयापन लाना। और हम हमेशा अपने आप को चेंज करते रहते हैं, जैसे हमारे प्रायोरिटीज़, हमारी अपीयरेंस, हमारे बिलीव्स, हमारे थॉट्स सब टाइम टू टाइम चेंज होते रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे शायद 6 महीने पहले आप जिन चीज़ों में बिलीव करते थे शायद अब उतने स्ट्रांगली नहीं करते होंगे, या अब आप उसको एक नए तरीके से देखते हो। और ये किसी के लिए भी हो सकता है, कोई इंसान को लेके हो सकता है, खुद के लिए हो सकता है या फिर किसी सिचुएशन के लिए हो सकता है। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग अपने आप को असेस कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं कि क्या आप सही पाथ पे हैं, क्या ये वो जॉब है या करियर है जो आप चाहते हैं। और अगर आप ऑलरेडी काम करते हो और सक्सेस मिल गई है आपको तो आप अपने नेक्स्ट गोल के बारे में सोच रहे हैं कि वो क्या होनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप अपने करियर में कुछ नया करना चाहते हो, एक नई पाथ या डायरेक्शन पे चलना चाहते हो, क्योंकि शायद अभी आपको अपनी जॉब चैलेंजिंग और इंस्पायरिंग नहीं लग रही है। तो शायद आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जिसमें आपको मज़ा आए और कुछ नया करने को मिले। यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैसेज भी है किसी के लिए। अगर आप अपने काम में या करियर में आगे बढ़ना चाहते हो और चीज़ें वैसी नहीं हो पा रही है जैसे आपने सोचा था या जैसे आप चाहते हो, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी और अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आप जो भी करना चाहते हैं आपको उसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी, बट आपको एक डिफरेंट प्लान चाहिए अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए। ओके, तो कुछ थोड़े लोगों के लिए मुझे लगता है आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को पहचान रहे हैं। जैसे आपको ये फील होता है कि आपको कुछ और करना चाहिए, जैसे आप एक चेंज लेकर आ सकते हैं किसी के लाइफ में या फिर उनको हेल्प कर सकते हैं। और मुझे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि आप एक काउंसलर हो सकते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसा जिससे आपके वर्ड से लोगों पे एक इम्पैक्ट पड़े। तो ये भी हो सकता है कि बहुत बार आपके आसपास के लोग अपने प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और आप उन्हें बहुत हेल्पफुल एडवाइस देते हैं और आपको खुशी मिलती है कि आप किसी के लाइफ में उन्हें क्लैरिटी और गाइडेंस दे सकते हैं। यहाँ पे है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो 3 नंबर जो है वो क्रिएशन की होती है और ये कार्ड एग्जैक्टली वही कहता है।
आपको अपने करियर में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और क्या आप यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स देख सकते हैं जो बहुत ही ब्राइटली चमक रही है? तो इससे हमें ये पता चलता है कि आपके फाइनेंसेस, पैसे बहुत अच्छे होने वाले हैं, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा समृद्धि और अबंडेंस आने वाली है, आपके पास हर वो चीज़ होगी जो आप चाहते हो। तो मुझे लगता है कि अगर पैसे की बात करें तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपके दिन बुरे भी चल रहे होंगे तो भी आपके पास इतने पैसे होंगे कि आप अच्छे से सर्वाइव कर सकें। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई वक्त आएगा कि आपके पास बिल्कुल भी पैसे ना हो, जैसे कि कंगाली का वक्त हो। पर हाँ, वो अलग बात है कि अगर आप सारे पैसे खर्च कर दें और बिल्कुल सेव ना करें तो वो एक डिफरेंट मैटर है। बट मुझे नहीं लगता है कि कभी ऐसा कोई वक्त आएगा जहाँ पे आपके पास पैसे ही ना हो या आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है सर्वाइव करने के लिए। और जैसे कि मैंने कहा था, ये एक क्रिएशन की कार्ड है और ऐसा लगता है कि आप में पोटेंशियल है कि आप एक लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप जिस भी तरीके का काम करते हो, आप अपने काम से लोगों पे एक मार्क छोड़ते हैं, जैसे लोग आपको आपके काम से पहचानते हो और वो इम्प्रेस होते हैं आपके काम से और आपकी एक अलग पहचान बन जाती है। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी फीलिंग्स को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पा रही हूँ कि नहीं, पर शायद ये मैसेज किसी को सुनना है तो इसलिए ये कहना ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। आप फायर साइन हो सकते हैं क्योंकि वॉन्ड्स और जजमेंट दोनों ही फायर एलिमेंट है, तो आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। और यहाँ पे है वर्क थ्रू योर फियर्स। मुझे ये स्ट्रॉन्गली फील हो रही है कि आप शैडो वर्क कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि आप अपने डर को, इनसिक्योरिटीज़ को, नेगेटिव थिंकिंग को, डाउट्स या फिर अपने ईगो से डील कर रहे हैं और उन्हें हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसी चीज़ें होती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, वजह से अपने पोटेंशियल को, अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाते। और शायद ये वो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे अभी आपको डील करना है ताकि आप हील हो सकें, अपने आप को ट्रूली एक्सेप्ट कर सकें और उससे आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन में होगी, सो दैट आप वैसी लाइफ जी सकें जैसी आप डिज़र्व करते हैं। क्योंकि अगर आप लो वाइब्रेशनल एनर्जी में रहेंगे तो अपने लाइफ के ब्लेसिंग्स और रिवॉर्ड्स को कैसे इन्जॉय कर पाएंगे? तो मुझे लगता है कि आप अपने करियर या फाइनेंसेस को लेकर इश्यूज से डील कर रहे होंगे, तो ये एक तरह की मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आप कॉम्पिटिशन के बारे में सोच रहे होंगे, या फिर क्या आपको सक्सेस मिलेगी, या फिर क्या आप अच्छे पैसे कमा पाएंगे, या फिर क्या आप इस काम को ठीक तरीके से कर पाएंगे या नहीं, आप ये सब सोच रहे होंगे। और अगर आप एक नए डायरेक्शन पे चलना चाहते हैं, अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हैं, कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और क्योंकि आपने अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल मकाम हासिल कर लिया है, पर स्टिल आपको ये लगता है कि आपको कुछ और करना चाहिए, कुछ नया, कुछ डिफरेंट, तो आप उस नए चेंज से डर रहे हो। और ये बिल्कुल नॉर्मल है, हम सभी चेंज से डरते हैं क्योंकि पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि क्या आपको रिस्क लेनी चाहिए या फिर अपने कम्फर्ट जोन से नहीं निकलना चाहिए। आप जहाँ पर हैं वहाँ सिक्योर हैं, तो उस जगह से क्या निकलना सही होगा या नहीं। तो यकीन माने, आपको स्टेबिलिटी एंड सक्सेस मिलेगी, बस आपको छोटे कदम लेने हैं। आप इन चीज़ों में ना फंसें कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, आप ये सोचें कि आप आज क्या कर सकते हैं अपने गोल्स और सक्सेस के और करीब आने के लिए। और आप एक बहुत ही छोटी चीज़ से शुरुआत कर सकते हैं, वो है खुद पर यकीन करना। शायद आज चीज़ें क्लियर नहीं हैं, बट कोई बात नहीं, कल क्लियर हो जाएंगी। मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है करना क्योंकि फायर साइंस बहुत इम्पेशेंट होते हैं और मैं भी एक फायर साइन हूँ, तो मुझे भी खुद को बहुत काम डाउन करना पड़ता है कभी कभार। तो आप डीप ब्रीदिंग करें, खुद से ये कहें कि मैं हर सिचुएशन से डील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और एक
और चीज़ है जो मुझे बहुत हेल्प करती है और शायद किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो। तो जब भी मैं किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होती हूँ तो खुद से सवाल करती हूँ, सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ मेरे साथ क्या हो सकती है, इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ आपके साथ क्या हो सकती है। आप अपनी जॉब खो सकते हैं, अपने आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे या आप अपने काम में फ़ेल हो जाएंगे। तो आप दो चार दिनों के लिए बुरा फील कर सकते हैं, बट फिर आप एक प्लान बी की तरफ जाएंगे, आप प्लान बी के बारे में सोचेंगे, क्योंकि आपको अपनी सिचुएशन को चेंज करनी है। तो मुझे लगता है कि जिस भी इश्यू से डील कर रहे हैं, आप खुद पे भरोसा रखिए कि आपका वक्त बहुत ही जल्द चेंज होने वाला है। मुझे लग रहा है कि ये लंबी रीडिंग होने वाली है, बट आई होप कि ये किसी के काम आए, जो मैंने कहा है वो किसी के काम आए। तो यहाँ पे है लवर्स, तो इसका मतलब है कि आपके पास एक चॉइस है या एक डिसीजन लेनी है अपने काम को लेके, जिससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे। बहुतों के लिए मुझे लगता है कि एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है और ये आपको मटेरियल बेनिफिट्स ही नहीं देगी बल्कि सेटिस्फैक्शन भी देगी। तो ये एक ऐसी ऑफ़र हो सकती है जैसी आप चाहते हो, शायद आपकी ड्रीम जॉब, और ये आपको एक नए पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ की ओर लेके जाएगी। शायद आप बहुत टाइम से किसी खास काम को करना चाहते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपको वो अपॉर्चुनिटी अब मिलेगी। बट मुझे फिर भी लगता है कि एक डिसीजन तो लेनी ही है, तो अपने ऑप्शंस को अच्छे से देख समझ के ही डिसीजन लीजिएगा। आप एक एयर साइन भी हो सकते हैं, पर्टिकुलरली जेमिनाई, बट लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकते हैं। तो अपने लॉजिक को यूज़ करके डिसीजंस लीजिए, ना कि सिर्फ अपने इमोशंस का सोच के। शायद वो ऑफ़र बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग होगी, कुछ ऐसा ऑफ़र होगा जैसे आप चाहते हो, बट आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, आप अपने लॉजिक से देखें कि क्या वो ये चीज़ है जो आप चाहते हैं, और तभी आप वो डिसीजन लें। यहाँ पे है टेक द हेल्म, ये बेसिकली ये कह रही है कि आपको अपने लाइफ की कंट्रोल लेने की ज़रूरत है, और आप डिसीजंस तब ले सकते हैं जब आप खुद पे भरोसा करेंगे। और कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आ रही है, ट्रस्ट योरसेल्फ। तो आपके डिसीजन जो भी हैं उसके रिज़ल्ट पॉजिटिव होंगे, बस आपको खुद पे यकीन रखना है। और मैं ये मानती हूँ कि अगर आप किसी चीज़ पे यकीन रखते हो और उसे पाना चाहते हैं, तो आप 10 times ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने गोल्स या ड्रीम्स तक पहुँचने के लिए, फिर चाहे कोई आप पे भरोसा करे या ना करे। तो ये ज़रूरी है कि आप खुद पे भरोसा करें, आप अपने ड्रीम्स अपने गोल्स पे भरोसा रखें। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड कम्युनिकेशन इज की। तो जैसा कि मैंने कहा था, शायद आपके काम में अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत हो सकती है। दूसरों के लिए मुझे लगता है कि आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, जैसे यूं लग रहा है कि आप सबको बाहर से ये दिखाते हो कि सब ठीक है, पर अंदर आप अपने काम को लेके इश्यू से डील कर रहे हैं। तो बात जैसे भी हो, ये ज़रूरी है कि आप खुल के शेयर करें कि आप क्या फील कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे आप खुद से ही सब कुछ डील कर रहे हैं, आप अपने आप से ही सवाल कर रहे हो और ख़ुद को ही जवाब दे रहे हो। बट आने वाले दिनों में ये चेंज होगी, आप अपने इश्यूज़ किसी और के साथ शेयर करोगे। कोई फीमेल फिगर या फिर कोई मेल जिसमें फेमिनिन एनर्जी है, और वो आपको एडवाइस देंगे जिससे आपको क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस मिलेगी अपनी सिचुएशन को और अच्छे से समझने के लिए। और ये कोई भी हो सकते हैं, आपकी माँ, आपकी बहन, कोई आपकी आंट, ग्रैंड मदर, क्लोज फ्रेंड, आपके पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आपके स्पाउस, या कोई एक स्ट्रेंजर जिससे आप रिसेंटली मिले हो। कभी कभार हम खुद को डाउट करते हैं और तब हमें कोई ऐसा चाहिए होता है जो हमें सही डायरेक्शन दिखा सके। तो अगर आपको लगता है कि आपको किसी से शेयर करनी चाहिए तो ज़रूर करें, और अगर ये आपकी स्टोरी नहीं है तो ये मैसेज किसी और के लिए हो सकती है, आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो नाइट्स हमेशा एक्शन की बात करती है, फास्ट और फॉरवर्ड मूवमेंट की बातें करती है, बट ये बहुत ही स्लो मूविंग नाइट है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अलर्ट है और इसने अपना शील्ड ऊपर करके रखा है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डेफिनेटली अपने करियर और फाइनेंसेस को लेके परेशान हैं, और चीज़ें बहुत धीरे आगे बढ़ रही हैं। ये आपके इनसिक्योरिटीज़ और फियर की वजह से भी हो सकती है, या फिर
कुछ तो शायद है, कोई डिसीजन लेना है या कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, या फिर आप अपने फ्यूचर को लेके परेशान हैं और ये सारी चीज़ें आपकी अबंडेंस को ब्लॉक कर रही है। बट फिर भी आपको सक्सेस मिलेगी, मटेरियल हो या फाइनेंशियल हो, फेम मिलेगी, जॉब सेटिस्फैक्शन भी होगी आपके पास। तो इसे आप एक छोटी सी रोड ब्लॉक समझें अपने पाथ पे, क्योंकि आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतर होगी और थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स तो चलती रहती है लाइफ में, तो आप सही डायरेक्शन में ज़रूर आगे बढ़ेंगे। बस आपको खुद पे भरोसा रखना है और सही डिसीजंस लेने हैं, सब कुछ सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मच लव एंड लाइट। बाय बाय। पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने येलो एवेंचुरीन चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। तो ये स्टोन बैलेंस और एक्सपेंशन की बात करती है और ये आपकी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाती है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। फूल। तो आप कुछ नई शुरुआत करना चाहते हो या फिर एक चेंज के बारे में सोच रहे हो। इस कार्ड की असल मीनिंग है न्यू अपॉर्चुनिटी, नई बिगिनिंग्स, नई पॉसिबिलिटीज। और अगर आप ऐसी किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो तो बहुत जल्द आपको ऐसा मौका मिलने वाला है। मुझे लगता है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं इस नई चेंज को लेकर के। कुछ लोगों के लिए आप ऐसा काम करना चाहते हो जिसमें आप फ्री हैं और खुद के डिसीजन ले सके, या फिर कुछ ऐसा जिसमें आपके लिए हर दिन कुछ नया हो करने के लिए, जिसमें आपका काम बोरिंग ना हो। मे बी कोई बिजनेस या फिर कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट, जैसे आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, स्टाइलिस्ट, फैशन या ज्वेलरी डिजाइनर, या फिर कुछ भी ब्यूटी या कॉस्मेटिक्स को लेकर के, या फिर कोई ऐसी चीज जो आपकी खुद की क्रिएशन हो, जहाँ पे आप अपने बॉस हैं। बट ये सिर्फ कुछ थोड़े लोगों के लिए हो सकता है। तो आप जैसा भी काम कर रहे हो, एक नई बिगिनिंग तो आपके लाइफ में आने ही वाली है। एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई नई प्रोजेक्ट हो सकती है, नए आइडियाज हो सकते हैं, या फिर नया बिजनेस हो सकता है। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज होगी जिससे आपको सक्सेस और ग्रोथ दोनों मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ये ऑलरेडी मेरी फेवरेट पाइल है बिकॉज इसकी एनर्जी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो आप एयर साइन हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनाई। और जब मैं आपका पाइल शफल कर रही थी तो ये कार्ड दो बार बाहर आई, तो शायद यहाँ पे किसी के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज हो सकता है। एयर साइंस बहुत ही लॉजिकल होते हैं, अपने दिमाग से सोचते हैं। जब उन्हें कोई डिसीजन लेनी होती है या किसी सिचुएशन को देखना होता है तो वो फैक्ट्स पे ध्यान देते हैं। और एक्वेरियस जो है वो बहुत ही इंडिपेंडेंट साइन है। जैसे कि मैंने कहा, आप चीज़ों को अपने तरीके से करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंटली करना चाहते हैं। फूल कार्ड का ये भी मतलब होता है रिस्क लेना। तो यहाँ पे ये मैसेज है कि आप अपने काम इंडिपेंडेंटली करें और खुद के दम पे करें। और ये कार्ड प्रोग्रेस और आगे बढ़ने का कार्ड भी है। तो आप पीछे मुड़ के ना देखें। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग चीज़ों को लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जैसे कि आप कितने पैसे कमा सकते हैं, आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, या फिर आपके फाइनेंसेस रिलेटेड फैक्ट्स या फिगर्स क्या होंगे। तो आप अपने काम को सिर्फ लॉजिक के साथ ना देखें, ये भी देखें कि क्या ये वो काम है जो आप करना चाहते हैं लंबे समय तक, या इस काम से आपको खुशी मिलती है, या इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। इसलिए ये कह रहा है कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, कि आप सिर्फ मटेरियल बेनिफिट्स के बारे में ही ना सोचें, आप उसके ऊपर उठ करके और भी बेनिफिट्स देखें जो शायद आप फील कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है एम्परर। तो यहाँ पे फायर एनर्जी भी बहुत है। तो एम्परर आप एरीज हो सकते हैं, या फिर सन कार्ड है तो आप लियो हो सकते हैं। यहाँ पे तीन मेजर अरकाना है, द फूल, एम्परर और द सन, और ये सारे ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अपने करियर या फाइनेंसेस को लेके ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि सब कुछ अच्छे की तरफ आगे बढ़ रही है।
और एम्परर अथॉरिटी, ऑर्डर और स्टेबिलिटी की बात करती है, और यहाँ आपका गोल यही है कि आप स्टेबिलिटी चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप एक लीडर हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप डेफिनेटली एक लीडर हैं, बट अगर आप कोई और काम भी कर रहे हैं तो आप एक अच्छे पोजीशन पे होंगे, अथॉरिटी के पोजीशन पे होंगे अपने जॉब में, किसी मैनेजेरियल पोजीशन पे हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, लॉ या ऑर्डर के साथ डील करते हैं, या फिर एक लॉयर हो सकते हैं, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं, या फिर मिलिट्री या डिफेंस में काम कर सकते हैं। बट अगर ये नहीं है, फिर भी आप में एक क्वालिटी है लीडर बनने की। आप अपने काम में अथॉरिटी के पोजीशन पे हो सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत स्टेबिलिटी मिलेगी, मटेरियल एंड फाइनेंशियल भी, और आप फ्री होके इंडिपेंडेंटली डिसीजंस और एक्शंस भी ले सकते हैं। मुझे ये भी लगता है कि आप लोगों के काम में बहुत ट्रैवलिंग भी हो सकती है, जैसे आप डिफरेंट सिटीज़ या स्टेट्स में काम की वजह से ट्रैवल करते हो या आपको करना पड़ता हो। ये हमारे पास है सन कार्ड और फर्स्ट चक्र, तो इन दो कार्ड्स का करियर रीडिंग में होना ही काफ़ी है। आपके काम में आपको फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ होगी, प्रोस्पेरिटी होगी, और आपके काम को लोग अप्रिशिएट करेंगे, और आपको आपके हार्ड वर्क के रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स ज़रूर मिलेंगे। और बेस चक्र जो होता है, फर्स्ट चक्र जो कि बेस चक्र होता है, वो आपकी मटेरियल नीड्स, पैसे, लग्जरी, ये सब की बात करती है। तो मुझे लगता है कि आपके सारे नीड्स पूरे होंगे, आपके पास अच्छे पैसे होंगे कि आप अपने शौक पूरे कर पाएँ, और आपके लाइफ के सारे एरियाज इम्प्रूव होंगे, अच्छे होंगे, पर स्पेशली आपका करियर, आपके फाइनेंसेस और आपका हेल्थ, ये तीनों मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत इम्प्रूव करने वाली है। यहाँ पे है टू ऑफ सोर्ड, तो आप में से कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट को लेकर के परेशान हैं, जैसे कि आपको एक डिसीजन लेनी है और आप अपना टाइम ले रहे हैं सोचने के लिए, तो ये ऐसा हो सकता है कि एक नई अपॉर्चुनिटी आई हो आपके सामने और आप देख रहे हैं कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, या फिर आपकी करियर किस डायरेक्शन में जा रही है आप इस बारे में सोच रहे हैं, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, और ये बिल्कुल काम से ही रिलेटेड है। यहाँ पे हमारे पास है रिफ्लेक्ट, तो ये वक्त है कि आप अपने ऑप्शंस को अच्छे से समझें और एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन के बारे में भी सोचें, या फिर डिसाइड करें अपने समझ बूझ और एक्सपीरियंस को यूज़ करके एक डिसीजन लें, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे ही आप एक डिसीजन बना लेंगे, आप ग्रोथ और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी है और एक बेटर ऑफर का इंतज़ार कर रहे हैं, जो शायद आपके चॉइस की हो, तो इसलिए आप वेट कर रहे हैं और एक नए अच्छे ऑफर की तलाश में हैं, तो ये एक वेटिंग पीरियड भी हो सकता है, और इसीलिए शायद आप अपने लाइफ चॉइसेस, अपने करियर चॉइस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पे है सिक्स्थ चक्र, और इसको थर्ड आई चक्र भी कहते हैं, और इसका मतलब है कि आप फोकस्ड रहें अपने गोल्स पे, उन चीज़ों पे जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं, और आपको उन चीज़ों के तरफ गाइड किया जा रहा है, तो चेंजेस आपके लाइफ में आ रही है, वो गाइडेड हैं, तो उन्हें आपके लाइफ में आना ही है। और यहाँ पे थ्री मेजर अरकानाज हैं, जिसका मतलब है कि बहुत बड़ी शिफ्ट है आपके लाइफ में, आपकी एनर्जी में, और ये शिफ्ट अच्छे की तरफ ही लेकर जाएगी। तो अगर आप अभी भी डाउट में हो और डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आगे क्या स्टेप्स होने चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, जिसका मतलब है कि आपके लाइफ में और स्टेबिलिटी और बैलेंस आ रही है। मुझे लगता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, जैसे कि कुछ ऐसा ना चूज़ करें जिसे आप डिज़र्व ना करते हों। ये मैसेज किसी खास इंसान के लिए हो सकती है, तो आप जिस भी बात पे चलेंगे, मेरे हिसाब से आप जितनी मेहनत अपने काम में डालेंगे उतना ही रिवॉर्ड्स आपको मिलेगा, तो चीज़ें बेहतरी की ओर बढ़ रही है। शायद आप करंटली जितने एफर्ट्स करते हो आपको उस हिसाब से रिवॉर्ड्स नहीं मिलती, और यही चेंज होने वाली है। यहाँ पे ये स्केल्स बैलेंस होने वाले हैं, जिससे आप जितने एफर्ट्स डालोगे आपको उतने ही रिवॉर्ड्स मिलेंगे। मुझे ये भी लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को अपने काम को लेकर क्लैरिटी मिल रही है, आप समझ रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं अपने लाइफ में, कि गोल्स क्या हैं और आप कैसे उन्हें अचीव करना चाहते हैं। तो अपने इंट्यूशन पे भी ध्यान दें,
क्योंकि वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है। आज के लिए बस इतना ही मैसेज है मेरे पास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मच लव एंड लाइट। सी यू अगेन। बाय बाय। पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने ग्रीन एवेंचरीन चूज किया, ये आपकी रीडिंग है। तो ये स्टोन नेगेटिविटी और एनर्जी ब्लॉकेज को हटाने में मदद करती है। तो चलिए आगे देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स। तो आप लोग डेफिनेटली स्पिरिचुअली गिफ्टेड हैं। आप नेचुरल एम्पैथ हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, और आप हमेशा सोचते हो कि ह्यूमैनिटी के लिए कुछ काम करो। तो आप डॉक्टर, नर्स, मेडिसिन या फिर थेरेपी वर्क में इन्वॉल्व हो सकते हो, या फिर काउंसलर, एडवाइज़र, कंसल्टेंट, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, या फिर आप सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, वुमेन, चिल्ड्रन, एनिमल्स या एनवायरनमेंट के राइट्स के लिए कुछ करना चाहते हो, या ऑलरेडी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो उन चीज़ों में। कुछ ऐसा काम जिसमें आप उनकी मदद करना चाहते हैं जो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते। आप बहुत ही लविंग और कंपैशनेट हैं, और ये आपके काम में भी दिखता है। आप बहुत इंटुइटिव हो सकते हो, और आप बहुत समझदार और सुलझे हुए इंसान हैं, और आपके पास बहुत नॉलेज है दूसरों के साथ शेयर करने के लिए। आप वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मुझे लगता है कि आप एक गिवर हैं। आप दूसरों को देना पसंद करते हैं और अपने दिल से सबका भला करना चाहते हैं। अगर आपको अपनी फीलिंग्स या इमोशंस से नहीं लगता कि कुछ सही है तो आप उसे नहीं करते। तो आप अपने इंट्यूशन को पहचानते हैं और उसे ही गाइड की तरह मानते हैं। आप एक आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, पेंटर, या फिर ज्वेलरी डिज़ाइनर, या फिर फैशन डिज़ाइनर, या फिर कुछ ब्यूटी या कॉस्मेटिक से रिलेटेड कुछ काम करते हो या इंटरेस्टेड हो उसमें, या फिर आप कोई भी क्रिएटिविटी वाली काम करते हैं एंड आप उसको लेकर बहुत पैशनेट और डेडिकेटेड हैं। मैं ये कहूँगी कि अरे अपने ड्रीम्स पे ध्यान दें, क्योंकि वो आपको सही राह दिखाती है। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है हर्मिट। मुझे लगता है कि आप एक ओल्ड सोल हो सकते हैं, और आप हमेशा दूसरों को गाइड करते हैं, उन्हें सही राह दिखाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आप हीलर हो सकते हैं, तो आप दूसरों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं उनके इश्यूज से डील करने के लिए। और अगर आप करंटली काम कर रहे हैं तो शायद आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं हैं, जैसे कि आप कुछ और करना चाहते हो, एक नई डायरेक्शन पे चलना चाहते हो, कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो आप बहुत ज़्यादा अपने करियर चॉइसेस के बारे में सोच रहे होंगे। आप अर्थ साइन भी हो सकते हैं, पर्टिकुलरली वर्गो, लेकिन आप टॉरस या कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं आप, जैसे कि वो कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें ना हो, या फिर आप रिसर्चर हो सकते हैं, एनालिस्ट भी हो सकते हैं। और ये एक बहुत ही क्वाइट टाइम है, अपने में रहने वाला वक्त है आपके लाइफ में, जहाँ पे आप खुद के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, या फिर आप अपने पास्ट एनर्जी को क्लियर कर रहे होंगे, या फिर आप आगे की प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे क्या स्टेप्स लेना चाहिए आपको अपने लाइफ में। और ये एक स्लो डाउन होने की एनर्जी है, जो एक बुरी बात नहीं है बिल्कुल। कभी कभार हमें ब्रेक लेने की ज़रूरत होती है, अपनी एनर्जी को रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, ताकि हम अपने परेशानी को या किसी सिचुएशन को एक डिफरेंट, नए, अलग तरीके से, एक अलग एंगल से देख सकें। आप में से कुछ लोग टीचर्स हो सकते हैं, प्रोफेसर्स, मेंटर्स हो सकते हैं, और स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकते हैं। पे है सरेंडर टू द डिवाइन। इसका मतलब है कि किसी तरह की टर्निंग पॉइंट है, या कोई चेंज आपके लाइफ में आने वाली है, और ये टाइम है कि आप अपने ड्रीम्स पे ट्रस्ट करें और डिवाइन पे भरोसा रखें। ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, जिसका मतलब है कि आपके विशेष ज़रूर पूरे होंगे, बस आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ काम रहना है और पेशेंस बनाए रखना है। हर्मिट का मतलब ये भी होता है कि आप अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, अपने मेंटल क्लैरिटी के लिए। अपने करियर को लेके सवाल होंगे आपके मन में, या फिर जो भी चेंजेस आने वाले हैं उनको लेके सवाल हैं आपके मन में। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव और पावरफुल कार्ड है, क्योंकि ये कहती है कि
आपको आपके सवालों के जवाब बहुत जल्द मिलने वाले हैं। फिर हमारे पास ये कार्ड है जो कि कहती है शो द वर्ल्ड द रियल यू। इसका मतलब है लेट गो करना, चीज़ों को पकड़ के नहीं रखना। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और शायद ऐसी चीज़ें सोच रहे हो जो शायद रियल भी नहीं है, और इसके वजह से आपकी सक्सेस और ग्रोथ रुक रही है। क्या होता है कि जब हम एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं तो वो हमारी एनर्जी से ब्लॉक हो जाती है। तो ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी किसी और चीज़ पे शिफ्ट करें, और फिर देखिएगा ऑटोमेटिकली आपको अपने परेशानी के सॉल्यूशंस मिलने लगेंगे। और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है चेंज और प्रोग्रेस की। कभी कभार हम चेंज से बहुत घबरा जाते हैं और कभी कभार बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बट चेंजेस हमारे लाइफ की एक पार्ट है। तो अपने आप को मत रोकिए, खुद पे ट्रस्ट कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। बहुत पावरफुल हैं, आप में हिम्मत है और ताकत है, तो उसे पहचानिए और खुद के लिए स्टैंड लें। अपने बिलीव्स, अपने ड्रीम्स पे स्ट्रांगली ट्रस्ट करें और अपने नेचुरल सेल्फ में रहें। मूव, तो जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, मुझे स्ट्रांगली लगता है कि एक बड़ी चेंज आ रही है आपके लाइफ में। एक तरीके की मूव है, एक शिफ्ट है, और ये आपको कुछ बहुत अच्छे की तरफ लेके जा रही है, क्योंकि यहाँ पे सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, एक नई पाथ या डायरेक्शन, अपने करियर में चेंज, या काम में एक नई अपॉर्चुनिटी, या फिर आप काम के लिए किसी नए लोकेशन पे मूव कर रहे हो। और इसका मतलब है आगे बढ़ने के लिए पीछे कुछ छोड़ना तो ज़रूरी होता है। और अगर आप इस चेंज के बारे में सोच रहे हो तो आप ज़्यादा फोकस अपने फ्यूचर पे कर रहे हो कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा। तो आप इन चीज़ों पे फोकस ना करके ये सोचें कि अगर चीज़ें पॉजिटिव हुई तो कैसा होगा। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ये सक्सेस एंड अचीवमेंट की कार्ड है। तो आपको आपके काम में, पैसे के मामले में भी सक्सेस ज़रूर मिलेगी और आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। और ये कार्ड है अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने का, अपने लगातार मेहनत और डेडिकेशन से, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस उसी से मिलेगी। ये कार्ड एक्शन की है। आप अपना फोकस मत खोइए बस इसलिए क्योंकि चीज़ें जल्दी नहीं मूव कर रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप ज़्यादा काम कर रहे हैं और आपको कामयाबी नहीं दिख रही है, और इसलिए आप टायर्ड हो गए हैं कि पता नहीं पॉजिटिव रिवॉर्ड्स मिलेंगे या नहीं। तो ये वक्त ये सब सोचने का नहीं है, और रिवॉर्ड्स तभी मिलते हैं जब आप कंटिन्यूसली मेहनत करते हैं और अपने मेहनत में कोई कमी नहीं रखते। आप मेहनत करते जाइए, अपने गोल्स पे फोकस करिए और रिवॉर्ड्स के बारे में मत सोचिए, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो आपको रिवॉर्ड्स ज़रूर मिलेगा, बट आपको कंटिन्यूसली मेहनत करना है, रुकना नहीं है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। तो इससे हमें क्लियरली ये पता चल रहा है कि आपके फाइनेंसेस अच्छे होने वाले हैं, और अगर ये केस अभी आपकी नहीं है तो पोटेंशियल है इम्प्रूवमेंट होने की। मुझे लगता है कि आप अपने नीड्स का ख्याल बहुत अच्छे से रख पाएंगे और आप अपने पैसे को बहुत केयरफुली सेव भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक कैट है और वो प्रोटेक्शन की बात करती है। तो आप अपने नीड्स तो पूरे करेंगे ही, साथ में सेविंग्स पे भी ध्यान देंगे, या फिर आप एक हेल्दी बैलेंस बनाएंगे अपने खर्च में और अपने सेविंग्स के बीच। मुझे ये भी लगता है कि आप एक्सपेंसिव और लग्जरियस चीज़ों पे भी काफ़ी स्पेंड करेंगे। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे है हमारे पास 10 of Cups। तो मुझे लगता है कि आपके काम में, आपके बिजनेस में, पार्टनरशिप्स में बहुत ही सुख और शांति का माहौल होगा। मुझे नहीं लगता है कि आप ऐसे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स या कंपटीशन में इन्वॉल्व होते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आप हमेशा पीस बनाए रखना चाहते हैं। जैसे कभी अगर आर्ग्यूमेंट हो या डिसएग्रीमेंट होती है तो आप सॉल्यूशंस लाना पसंद करते हैं कि माहौल अच्छा रहे। और ये कॉन्फर्मेशन भी है कि जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़रूर देगी। आपको हर वो चीज़ मिलेगी जिसे आप डिज़र्व करते हो, सिर्फ आपकी फोकस और कांस्टेंट मेहनत से। मुझे लगता है कि कई सारे लोग कोलैबोरेट करेंगे, टीम अप करेंगे नए लोगों के साथ, या फिर कुछ नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर एक नए पाथ पे चलेंगे जहाँ पे आपको नए लोग मिलेंगे और वो आपको आपके करियर में काफ़ी हेल्प करेंगे।
तो ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट, आगे बढ़ना सब होगा और आप अपने काम को लेके लाइफ में बहुत खुश और सैटिस्फाइड भी होंगे। और यहाँ पे हमारे पास है केयरिंग कनेक्शंस, तो मुझे लगता है कि कुछ लोग कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि कोई बिजनेस या काम अपने फैमिली मेंबर या क्लोज फ्रेंड या फिर अपने पार्टनर के साथ। जैसे अगर आपके पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो आप शायद उनके साथ ही क्लिनिक में काम करना शुरू करें, या ऐसा कुछ और स्पेसिफिक है मैसेज है। मुझे लगता है कि आप अपने करंट जॉब को छोड़ना चाहते हैं और जैसा कि मैंने कहा था कि आप मूव करना चाहते हैं, तो शायद आप किसी डिफरेंट लोकेशन या स्टेट में जाना चाहते हैं जहाँ आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो या आपके स्पाउस हो, शायद वो दूर रहते हैं अभी और आप वहाँ ही शिफ्ट होना चाहते हैं। और या फिर ये भी हो सकता है कि आप एक ही कंपनी में जॉब ज्वाइन करना चाहते हो, एक ही फर्म में, एक ही वर्कप्लेस पे काम करने की सोच रहे हो, और शायद इसलिए आप इन सारे चेंजेस को लेकर के सोच विचार कर रहे हैं, परेशान भी हैं। तो ये कुछ लोगों के लिए हो सकती है। तो अगर ये आपकी स्टोरी है तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। तो मुझे लगता है पाइल नंबर 3 आपके लिए आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मच लव एंड लाइट, सी यू अगेन, बाय बाय।